हेलो नमस्कार, म्यूजिक गुरु अजय में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय झा। इस वीडियो में मैं छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, जो बहुत ही पॉपुलर भजन है, बहुत ही अच्छा भजन है, उसके पार्ट टू का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पार्ट टू का मतलब है कि सारे अंतरा को मैं आपको बता रहा हूँ। सभी अंतरे का ट्यून एक जैसा है, जैसा कि मैं स्थाई में बताया था पहले पार्ट में, कि अगर आप स्थाई और एक अंतरा को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप सारे अंतरे को बहुत ही आराम से कर पाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप पहले पार्ट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। ठीक है, तो इसमें मैं सारे अंतरा को गा करके आपको मैं बता रहा हूं, बस शॉर्ट में बताऊंगा, आप समझ जाएंगे बहुत ही आसानी से, तो लेंदी नहीं करूंगा मैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बार बार मैं रिमाइंड करा रहा हूं, म्यूजिक गुरु अजय जो है वो कंप्लीटली डिवोशनल सॉन्ग्स के लिए डेडिकेटेड है, तो इस पर केवल डिवोशनल सॉन्ग्स, मंत्र, धुन, कृष्ण धुन, राम धुन, शिव धुन, ये सब सारे इस पर लोड होंगे। और जितने भी मेरे कंपोजिशंस हैं भजन के, डिवोशनल सॉन्ग्स के, वो सब सारे इस पर होंगे। और इवन कभी कभी रामायण कथा, गीता कथा, प्रवचन, और ये सब भी, जो भी डिवोशनल रिलेटेड जो भी चीज़ें मैं करता हूँ, वो उसमें से कुछ ना कुछ आपको इस पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें, तो आपको पता चलता रहेगा क्या अपलोड हुआ है। आइए इसे शुरू करते हैं और बहुत ही शॉर्ट में मैं चलूँगा। और एफ शार्प से हम छोटी छोटी गैया को पहले किए थे और इसी से पार्ट टू में भी सारे अंतरा को करते हैं। तो एक बार मैं पहले पार्ट को बता रहा हूँ, ध्यान से सुने, आप कर लिए होंगे इसे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। ये है स्थाई। और अंतरा में बताए थे आपको, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरन मेरो मदन गोपाल, श्याम वरन मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अब मैं छोटी छोटी गैया को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि हर अंतरा के बाद आप वापस छोटी छोटी गैया पर आएंगे, क्योंकि वो स्थाई है। ठीक है, अब मैं हर अंतरा को केवल गा रहा हूं, तो दूसरा अंतरा इस तरह होगा। आगे आगे गैया, ठीक उसी तरह, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, फिर से देखें, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बिल्कुल सेम, बीच में मेरो मदन गोपाल। और फिर छोटी छोटी गैया, उसके बाद का अंतरा इस तरह से, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। फिर छोटी छोटी गैया, ठीक है,
फिर दूसरा अंतरा, एक और अंतरा है, और शायद ये छोटी छोटी लकटी छोटे छोटे हाथ से पहले होना चाहिए। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, ठीक है। माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, फिर छोटी छोटी गैया। और लास्ट पैराग्राफ होगा इस तरह से, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, रास रचावे मेरो मदन गोपाल, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, ठीक है। तो इसमें चार पैराग्राफ, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम बरण मेरो मदन गोपाल, फिर आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, और तीसरा पैराग्राफ होना चाहिए घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, और उसके बाद छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, और लास्ट पैराग्राफ छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, रास रचावे मेरो मदन गोपाल, ठीक है। तो ये सभी पैराग्राफ को अच्छी तरह आप याद करें, ध्यान रखें जल्दबाजी नहीं करना है, एक एक अंतरा को आराम आराम से करें, जिससे कि आप उसके सभी शब्दों को अच्छे से ध्यान से कर सकें और हर स्वर को समझ सकें, और कहाँ पर पॉज है, कितने मात्रा रुकना है, ये सारी बातों पर आप ध्यान दे करके प्रैक्टिस कर सकें। इसीलिए जल्दबाजी करने से ये सब गलती होने का चांस बढ़ जाता है, और इसीलिए मैं हर हमेशा वीडियो में कहता हूँ कि बहुत धीमी गति से निकालें, आराम आराम से। जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब कोई गलती नहीं हो रही है बजाने में, हारमोनियम भी सही ढंग से बज रहा है, आप गा भी सही ढंग से रहे हैं, फिर आप उसे स्पीड भी करना शुरू कर सकते हैं और एक एक पैराग्राफ को आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस करें, फिर इसके दूसरे भाग में आपसे मुलाकात होगी, जिसमें मैं इसके इंटरल्यूड्स को भी बजाऊंगा, म्यूजिक को, और फिर आप उस म्यूजिक को भी इस गाने के साथ जोड़ करके फिर पूरी तरह तैयार कर सकते हैं। और लास्ट में जाते जाते फिर एक बार रिमाइंड करूंगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन्स को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कमेंट्स बहुत ही आवश्यक है। जब आप कमेंट्स करते हैं, कैसा लगा आपको वीडियो, आप उससे सीख पा रहे हैं या नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, अगर आप कमेंट्स करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आप इससे लाभ उठा पा रहे हैं, और हमें लगता है कि हम जो मेहनत करते हैं वो सफल हो रहा है, ठीक है। तो कमेंट्स करना ना भूलें, और हाँ लाइक्स बटन भी दबाना ना भूलें अगर अच्छा लगे तो, ठीक है ना, लाइक्स बटन दबाने में कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। चलिए फिर मैं मिलता हूं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।